हेलो अर्जुन, कैसा है आप लोग? अच्छा है ना। मैं चंदन कुमार सर मास्टर स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीकेशन सरलीकरण का पार्ट वन देखने वाले हैं, जिसमें लगभग हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन लेने वाले हैं। और क्वेश्चन सब क्या है, कंटिन्यूअस बेस पर है, यानी बटा बाई बटा टाइप के जो क्वेश्चन रहता है उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो चलिए इसी लाइन से हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है इसमें, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या कहता है? देखिए, वी फोर क्या होता है, वेन कूलम, यानी लाइन ब्रैकेट कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, बार ब्रैकेट भी हम लोग बोलते हैं, यानी इस टाइप से जो रहता है, यानी रेकनिंग बोलते हैं हम लोग, जैसे कि आगे क्वेश्चन दो और तीन हो गया और इसके ऊपर गुना है या ऊपर रेकनिंग हो गया, तो सबसे पहले कुछ भी हो क्वेश्चन में, सबसे पहले इसी का काम हम लोग करेंगे, छ लिखेंगे, यानी दो आ गया प्लस तीन आ गया इसके ऊपर रेकनिंग है, तो सबसे पहले इसी का काम करेंगे, उसके बाद ही कुछ को काम करेंगे उसमें क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग समझा देंगे इस टाइप से। चलिए उसके बाद में बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा ब्रैकेट? सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद में होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद में होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद में ऑफ होता है। ऑफ का हिंदी में क्या कहते हैं, का बोलते हैं, की होता है, इसका मतलब गुना ही होता है, ठीक है। उसके बाद डी फॉर डिवीजन, यानी भाग होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन गुना होता है, उसके बाद एडिशन आता है, प्लस, उसके बाद घटा। देखिए इस दोनों का काम हम लोग अपना सुविधा के हिसाब से जब चाहे तब कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले प्लस ही करेंगे या माइनस करेंगे, दोनों में से कोई भी आएगा कर लेंगे। तो सबसे पहले वी बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, चलिए देखिए, वी बोर्ड मास यानी सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट काम करेंगे, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, यानी सबसे पहले ब्रैकेट का ही काम होगा, उसके बाद में ऑफ का काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद में डिवीजन का काम करेंगे, यानी भागा काम करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चले जाते हैं। चलिए हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वन प्लस वन, यानी वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई, यानी इसी तरह रहेगा, कंटिन्यूअस टाइम में रहेगा। तो इससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ट्री को समझने के लिए। पहले देखिए, जब वन बटा में वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस दो बटा तीन है मान लेते हैं लास्ट में, तो इस टाइप से हम लोग को जब क्वेश्चन रहेगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोग का एक तरीका है, क्या है कॉन्सेप्ट, हम अपना सा ट्रिक निकाले हैं, ट्रिक क्या है इसका, तो पहले दो लिख देंगे आगे और तीन लिख देंगे। देखिए पहले दो है, इसमें दो बटा तीन है, यानी पहले न्यूमरेटर लिखेंगे उसके बाद डिनोमिनेटर लिख देंगे, ठीक है। और देखिए कितना प्लस है, एक दो तीन, तो हम लोग तीन प्लस बना देंगे, तीन के माथा पर एक प्लस, एक इधर, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे, तीन प्लस दो पाँच, पाँच प्लस तीन आठ, आठ प्लस पाँच तेरह, यानी फाइनली आंसर कितना है, आठ बटा तेरह है। चलिए इस टाइप से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि वन वन प्लस दो बटा वन प्लस वन बटा कितना हो जाए, ये वन वाला ही रहना चाहिए, ठीक ठीक है, दो प्लस वन बटा तीन प्लस वन प्लस पाँच दिया, इस टाइप से है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे एक, उसके बाद पाँच लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तीन दो एक है, तो प्लस में यहाँ तीन लिख दीजिए, प्लस दो लिख दीजिए और प्लस वन लिख दीजिए। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको क्या कीजिएगा, पहले इसमें गुना करना है, प्लस इसको लिखना है, फिर जो आएगा उसको गुना करना है, फिर लिखना है, यानी पांच या पंद्रह, पेन चेंज कर लेते हैं, पांच या पंद्रह एक सोलह, सोलह यहां लिख दीजिए, सोलह दोनों बत्तीस पांच, बोलिए बत्तीस पांच कितना होता है, सैंतीस, और सैंतीस को सोलह को लिखिए जोड़िएगा कितना हो जाएगा, बोलिए इक्यावन होगा, तिरपन हो जाएगा, ठीक है, यानी फाइनली आंसर कितना होगा इसका, सैंतीस बटा तिरपन आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग आशा करता हूं कि हम आप लोग क्या कर रहे हैं, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, और चलिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जैसे कि वन बटा में वन माइनस दो बटा तीन दिया गया रहेगा, तो इसको बनाने के लिए किस तरह से कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए तीन में से दो घटाइएगा कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक बटा तीन आएगा, और इसको जब अब एक बटा तीन आया, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, वन गुना तीन तो ऊपर चलेगा, वन नीचे आएगा, यानी फाइनली इसका आंसर कितना होगा, तीन ही होगा। चलिए इसको भी हटाते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा, वन बटा वन माइनस दो एक बटा तीन दिया गया है,
ठीक है, माइनस एक बटा चार दिया गया है और फिर माइनस दो बटा तीन दिया गया है, इस सब बटा में लगातार बढ़ते चलता जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, उसके बाद तीन लिखेंगे, उसको माइनस चार लिखेंगे, यहाँ कितना है तीन में से माइनस होते हैं, माइनस तीन लिखेंगे और यहाँ पर कितना है माइनस वन, वन लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने से पहले क्या कीजिएगा, चार में तीन से गुणा कीजिएगा, चार बारह, बारह में से दो घटाइए तो कितना हो जाएगा दस, दस या तीस में तीन घटाइएगा सताइस, और सताइस से कम सताइस में से दस घटाइए कितना हो जाएगा सत्रह बटा, यानी फाइनली आंसर कितना होगा सत्रह, सताइस बटा सत्रह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनली क्वेश्चन पर आते हैं, इतना तो बेसिक हम लोग देख लिए। देखिए यहां से यहां देखें हम लोग, इसको पार्शियली हम लोग अगर देखें बात करें तो सब क्या है लगातार टर्म है, वन बाई वन के रूप में है, तो इसको ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में वन प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग फाइनली। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो घेरे हुए हैं इसको देखते हैं, यानी कितना है, पहले दो है उसके बाद में तीन है। ठीक है, उसके बाद कितना प्लस हो, वन टू थ्री फोर, चार प्लस दिया गया है, तो प्लस चार प्लस लिख दीजिए, एक दो तीन चार। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीन और दो पांच, पांच तीन आठ, और आठ पांच तेरह, और तेरह अब प्लस आठ बोलिए कितना हो जाएगा इक्कीस, यानी यहां से हल करने के बाद कितना आएगा हमको तेरह बटा इक्कीस आएगा। ठीक है, लेकिन इतना हमको आंसर नहीं होगा क्योंकि वन प्लस इतना करना होगा, यानी फाइनली आंसर मेरा क्या वन प्लस तेरह बटा इक्कीस, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इक्कीस प्लस तेरह चौंतीस बटा इक्कीस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थ्री करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ फोर माइनस इतना दिया गया, कंटिन्यूस टर्म टाइप का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और फोर माइनस नौ कर देंगे आंसर आ जाएगा हम लोग। ठीक है, यानी पहले क्या कीजिए, वन लिख दीजिए, उसके बाद में फोर लिख दीजिए, प्लस टू प्लस थ्री और प्लस कितना है वन है, चार दूनी आठ एक नौ, नौ तीन सत्ताईस चार इकतीस, इकतीस और चार इसको किए हैं तो चार दुनिया आठ एक नौ हो गया। ठीक है, नौ तीन सत्ताईस चार इकतीस हो गया, इकतीस से कम इकतीस और नौ चालीस, यानी इसको सॉल्व करने के बाद कितना जाएगा बोलिए, तो इकतीस बटा कितना आ जाएगा चालीस आ जाएगा, इकतीस बटा चालीस। इस टाइप से कोई क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, चलिए कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन दिया है उस तरह से हम तो बनाए भी करेंगे वो क्या, यानी इसको करें तो हम तीन प्लस लिख सकते हैं वन माइनस इकतीस बटा चालीस, अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए तो इसको हो जाएगा तीन प्लस वन में से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपस में बदल जाता है, जैसे वन में से किसी भी चीज को घटाइएगा ये आपस में बदल जाएगा, तो चालीस में से कितना हो जाएगा इकतीस घटाइएगा तो नौ बटा चालीस हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर मेरा कितना आया, तो आपको तीन पूर्णांक नौ बटा चालीस आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन चलिए आंसर क्या होगा यही होगा, ऑप्शन में का जो भी आंसर है वो सब नहीं होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखो बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाँच चार नौ, नौ बटा चार आ जाएगा, नौ बटा पाँच होगा, यहाँ पाँच है तो पाँच ना होगा। ठीक है, पाँच ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और नौ नीचे चलेगा, इसको कराइए तो कितना मतलब कर तीन मतलब करेगा, और तीन गुना छः पाँच ग्यारह, और तीन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ग्यारह जगह ग्यारह और छः जगह सत्रह, ठीक है, और छः ऊपर चला जाएगा, छः नहीं ऊपर जाएगा ग्यारह जाएगा, ग्यारह जाएगा, ग्यारह ऊपर चला जाएगा तो एक एक ग्यारह हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली आंसर मेरा कितना हो जाएगा एक प्लस ग्यारह बटा कितना सत्रह, यानी एक पूर्णांक ग्यारह बटा सत्रह, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सब है लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और समझाते हैं इसको, चलिए देखिए एक प्लस चार बटा पाँच का काम किया तो कितना आया है पाँच चार नौ बटा पाँच आया। अब देखिए ये पाँच प्लट के ऊपर चला गया है, ठीक है, और नौ नीचा लिख दिए तो नौ नीचे लिख दिए तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर तीन गुणे पाँच हो गया बटा नीचे कितना नौ, तीन से तीन को करा दिए कितना बचा तीन, ऊपर तो पाँच है तीन गुणी छः और पाँच कितना हुआ ग्यारह, तो इसलिए इस सब का काम कर दिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ फाइनली मेरा कितना हुआ, फाइनली यहाँ हुआ ग्यारह और ऊपर नीचे का जो तीन था ऊपर तीन ऊपर चला गया, यानी ग्यारह एकम ग्यारह और तीन कितना होता है तीन गुणी छः सत्रह, सत्रह यहाँ आ गया और ग्यारह जैसे ऊपर चला गया। ठीक है, और फिर अब वन प्लस ग्यारह बटा सत्रह किए तो कितना आ गया है कितना आ गया, और वन पूर्णांक ग्यारह बटा सत्रह जो ऑप्शन नंबर कितना आपको है वन पर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस टाइप
कंटिन्यूअस वाला टर्म है, वन बाई वन करके है, लेकिन यहाँ वन इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है वन और टू, और प्लस कितना है, एक दो तीन, प्लस वन, वन है तो वन छोड़ भी सकते हैं, प्लस प्लस तीन को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो एक तीन, तीन दो पांच, और पांच तीन आठ, यानी यहां से कितना है आपका, पांच बटा आठ माना है, ठीक है। तो यहां आप पुट कर दीजिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन प्लस पांच बटा आठ, यानी तेरह बटा आठ आया, ठीक है। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, कितना हो जाएगा बोलिए। तो दो गुने तेरह बटा आठ और प्लस सात बटा चार, यानी इसको इसको कराइएगा कितना मतलब, चार मतलब, यानी तेरह और सात जब एलसीएम दोनों का समान हो गया, चार हो गया, तो ऊपर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, पाँच तेरह सात बीस हो जाएगा, और बीस बटा चार कीजिएगा कितना हो जाएगा, पांच आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थ्री करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप से वो भी क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस टाइप का ही है, यानी कितना है लिखे, यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ फोर लिख देंगे, प्लस में थ्री है, प्लस वन है, तो चार तीन बारह एक तेरह, और तेरह चार सत्रह, ठीक है। तो यानी तेरह बटा सत्रह यहाँ से आया, चार तीन बारह और एक बारह एक तेरह, ठीक है, और तेरह कम तेरह चार सत्रह, सत्रह बटा तेरह बटा सत्रह यहाँ से आया, ठीक है। आइए अब यहाँ से देखें, तो इसमें डालते हैं दो बराबर कितना हो जाएगा, एक प्लस तेरह बटा सत्रह, यानी एक का मान इसमें से कितना हो जाएगा, तो दो माइनस तेरह बटा सत्रह, यानी चौंतीस में से तेरह घटा दीजिए कितना हो जाएगा, इक्कीस बटा सत्रह है, यही फाइनली आंसर हो जाएगा। अपना आपका दो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अगर इसको देखें तो कितना हो जाएगा, पाँच चार नौ बटा कितना हो जाएगा, पाँच, और पाँच चल जाएगा ऊपर और नौ चलाएगा नीचे, ठीक है। चलिए तीन से तो तीन इसको कटा दीजिएगा तो कितना मरतम कटा, तीन मरतम कटा। अब तीन से जब कट गया तो तीन एकम तीन और पांच आठ, और से तीन चल जाएगा ऊपर, यानी आठ एकम आठ और छह चौदह। नहीं नहीं हाँ चलिए कोई बात नहीं है, दो से कटा भी सकते हैं, चाहे नहीं भी कटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। चौदह बटा आठ, यानी इसको भाग करते कितना सात बटा चार आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सात बटा चार अपना नंबर क्या है, वन है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ से तक सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी देखिए एक बटा सात बटा नौ है, यानी सात बटा नौ है तो नौ ऊपर चला जाएगा इसमें और सात नीचे चला जाएगा, यानी नौ यहाँ से खत्म हो गया और ऊपर चला गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पहले कितना लिखेंगे, सात लिखेंगे, उसके बाद में नहीं पहले नौ लिखेंगे, नौ ऊपर है नौ लिखेंगे, उसके बाद सात लिखेंगे, ठीक है, और सात को और ऊपर माइनस दो और उसके बाद में प्लस तीन लिखेंगे, ठीक है। सात दुनी चौदह में से नौ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। सात दुनी चौदह, चौदह में से नौ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। पांच या पंद्रह, पंद्रह प्लस सात कीजिएगा कितना हो जाएगा, बाईस हो जाएगा। यानी हमारे को फाइनल आंसर यहाँ से कितना आया, पांच बटा बाईस, ठीक है, इतना आंसर आया इसको सोल्व करने के बाद में। लेकिन हमको क्वेश्चन में देखिए तो कितना लिखना है, तो इसका तो मान पांच बटा बाईस आया, पांच बटा बाईस और प्लस सत्रह बटा बाईस, जब इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बाईस बटा बाईस, यानी वन आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फोर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आपको दिया गया है कि उन्नीस बटा तैतालीस भागा मिता दिया, तो इस टर्म को हम निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन में देखते हैं इसका मान पुट करके कितना आ रहा है, ठीक है। इसका जब मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, वन फोर आपको एक दो तीन, यानी प्लस वन प्लस थ्री और प्लस टू, यानी चार एकम चार और एक कितना हो जाएगा, पांच, पांच दिया पंद्रह और चार उन्नीस, उन्नीस दो अड़तीस पांच तैतालीस, यानी यहाँ से आपको उन्नीस बटा तैतालीस आया इसका मान, ठीक है, इस पार्ट का मान। तो फाइनली क्वेश्चन में देखिएगा कितना उन्नीस बटा तैतालीस आया है और भागा में उन्नीस बटा तैतालीस है, यानी अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा मान, वन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, तीन में से इसको सॉल्व कीजिएगा, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, तीन में से दो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वन बटा तीन आ जाएगा, और तीन अब ऊपर चला गया, ठीक है, और वन नीचे आ जाएगा, वन नीचे में आ जाएगा कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। यानी तीन तक कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ तीन बारह, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पांच बारह, आपका नंबर आपका थ्री करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए, इस पार्ट को अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, वन में से वन ओवर टू घटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन बटा टू, यानी हाफ आ जाएगा,
और हाफ है तो उल्टेगा तो ऊपर चला जाएगा दो और नीचे चला जाएगा वन, यानी कितना हो गया एक आ प्लस दो तीन। यानी फाइनली अगर देखें हम लोग तो इसका मान कितना जाएगा 2/3 गुना 3/, इसको सॉल्व कीजिए कितना जाएगा 5/6 है, 5/6 और गुना में कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और भागा कितना हो जाएगा 4 × 5/4, ठीक है। चलिए जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं फाइनली हम लोग, यहाँ से कुछ कटने वाला है तो देखते हैं, यहाँ से 3 से 3 तो कटेगा ही, ठीक है। इसको अगर काटते हैं तो कितना मरतम कटेगा बोलिए, 2 मरतम कटेगा। चलिए एक लाइन और लिखते हैं, 2 2 अब कट गया तो सबके बाटा ऊपर क्या हो गया 2 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 5/2 2 × 4 और गुना में इसको उल्टिएगा तो कितना हो जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे चले जाएगा, ठीक है। यानी अब यहाँ से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर कितना में है 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए पहले, इस पार्ट को पेन कहा गया यहाँ पे, चलिए इसको हल कीजिएगा तो 5 2 5 10 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। चलिए अब 2 ऊपर चले जाएगा, कहाँ चला जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा और 9 नीचे चले जाएगा और 3 से 3 इसको कटेगा तो 3 मरतब कटेगा, बचेगा कितना 3 नीचे में, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, 8 यहाँ हो गया, फिर 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और 8 + 8 = 12 कितना हो गया 20, 20/8 या इससे को काट दीजिए 2 मरतब कट जाएगा, यानी 2 × 2 = 3 = 5 कितना आया 5, 5/2 कितना आया 2 × 2 = 3 = 5, 5/2 2 2 × 2 5/2 ही आएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, देखिए 5 में से 2 × 5 = 10 और में से 1 घटा दीजिए 9/2, ठीक है। 9/2 आया, 2 ऊपर चला गया कितना आया नीचे कितना आया 9 आया, 3 से इसको कटा दीजिए तो कितना आया 3 आया, 3 × 2 = 6 और 2 = 8 आया, 8 को 4 से कटा दीजिए कितना आया 2 आया, 2 × 2 = 3 2 × 2 = 3 = 5, 5/2 2 आया और इसमें से घटाना है हमको कितना, इसको बाहर करेंगे कितना जाएगा 5 मरतब जाएगा, यानी ऊपर 5/2 2 आ जाएगा, यानी 5/2 − 5/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये भी देखिए, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 × 5 = 17 9 = 29/14 और इसको बटा में देख लीजिए, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 5 हटेगा और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 × 15 = 5 3 × 3 = 9 5 = 14 14/ कितना हो जाएगा 3 14/3 तो यानी 14 यहाँ हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी 14 × 5 = 17 9 = 29/14 जी यानी अब ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 79/14 × 14/79 इधर से उधर उधर से इधर कट जाएगा कितना जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 9 × 2 = 11 11/3 आया, ठीक है। और 3 अब यहाँ हो जाएगा नहीं 11 यहाँ आ गया, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है। इसको हल किया तो कितना आया है इस पार्ट का 3 × 9 = 11/3 अब 11/3 आया तो 11 तो यहाँ हो गया 3 ऊपर चलेगा, ठीक है। 11 × 3 = 33 और 6 कितना हो जाएगा 39 39 तो 39 तो यहाँ आ गया और 11 ऊपर चला जाएगा, 11 × 3 = 33 और 6 = 39 ऊपर 11 चला जाएगा 11 × 2 चलिए। और फाइनली जब इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 39 × 2 कितना हो जाएगा तो 78 78/+22 78 और +22 की जगह तो कितना हो जाएगा 80 100 100 यानी फाइनली ऊपर अब कितना आ जाएगा 80/39 यहाँ देखिए, यानी यहाँ हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 यहाँ आ जाएगा और ऊपर 39 चला जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली आंसर आया मेरा 39 × 2/100 × 0.39 यानी यहाँ से हम लोग बात करें तो
चलिए यहाँ से 100 से इसको गुना करेंगे तो डबल दशमलव हट जाएगा और 39 से 39 खत्म हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर कितना हुआ 2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करके देखिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 आया, और 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे चले जाएगा। इस पार्ट का हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है। अब इतना बचा हुआ, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3 आंसर आएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5/3 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है 4 पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है। इसको क्या करें, देखिए जब इसमें लेंदी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग नीचे से प्रयास करना चाहेंगे कि नीचे से चेक करें हम लोग, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, पहले 1 है, उसके बाद 4 है, और +2 +1 और +3 दिया गया। 4 × 2 = 9, 9 × 9 = 13, और 13 × 3 = 39, 4 × 39 = 9 बोलिए 48, यानी फाइनली आंसर कितना आया 13/48 आ गया यहाँ। यही ऑप्शन हम लोग सही हो गया। और बात करते हैं हम लोग नीचे से इसको चेक करते हैं तो कितना होता, बोलिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और +1 = 1 = 3 है, +1 + 1 और +3 दिया हुआ है, ठीक है। समझ लीजिए, 8 × 1 = 9, 9 × 1 = 17, 17 × 3 = 51, 9, 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, 9 = 60, यानी इससे आंसर मेरा कितना आता है 17/60 आता है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, जो हमको ये तो होता ही नहीं, ठीक है, इससे हल करते हैं। पहले 1 है, 8 है, प्लस में कितना है 1 और +2 दिया गया, यानी 8 × 9, 8 × 9 9 × 18 = 20, यानी यहाँ से हमको कितना आंसर आता है 9/20, जो ये भी नहीं है, ठीक है। इससे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 है और 16 है और +1 है और +3 दिया हुआ है, यानी 16 × 1 = 16 और 1 = 17, 17 × 51 = 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6/67 हो जाएगा, यानी 17/67 आएगा आंसर, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी फाइनली आंसर क्या हुआ मेरा 4 तो है, हम लोग तो पहले ही आंसर निकाल लिया था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने के लिए इस सारे क्वेश्चन को उसी ट्रिक से हम सॉल्व किया है, सारे ऑप्शन को से आपको पूरा क्या होगा बेहतरीन तरीका से आपको आ जाएगा इसे बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बाटा वाला को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इतना पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, इतना पार्ट को पहले अलग कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। यानी इतना पार्ट को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी कितना है 1 है और इधर 3 है और +3 और इसका +3, 2 को +3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया है, यानी इसको 1 और इसको 1, यानी इसी पार्ट को हम सॉल्व कीजिए घेरा किया है, तो 3 × 3 = 9 = 10, 10 × 3 = 33, यानी यहाँ से हम लोग हल किया तो कितना 10/33 आया। यानी अब क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 6, चलिए इस 2 पहले करते हैं 2 − 1, ठीक है, +1/3 और −2/11 इतना। चलिए इसको सॉल्व किए हैं, बटा कितना है 3 + 10/33, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 × 11 = 6, यानी 5 5/33 आ गया, ठीक है। और बटा कितना है आपका, इसको सॉल्व करिए तो 11 33 9 कितना हो जाएगा 99 99 10 109 109/33, यानी फाइनली आपको कितना मिलने वाला है 33 × 33 = 5 38 38/33। इसको जब बदल लिए गुना में तो ऊपर चला जाएगा 33 और बटर में चला जाएगा 109, और यहाँ से तो कटने वाला जो कटा लीजिए क्या कर जाएगा 33 से 33 कर जाएगा, यानी फाइनली आपको आंसर कितना जाएगा 38/109 हो जाएगा, ठीक है। तो 38/109 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 38/109 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब दिया गया। चलिए इसके बटा में कुछ नहीं है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग इसके गुना में 1 लिख लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, उसी टाइप से क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
कंटिन्यूअस टाइप में दे रहा है, वन बटा कर करके क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं, एक बटा तीन है तो एक लिखेंगे यहाँ, तीन लिखेंगे यहाँ, प्लस में क्या है तीन है, और प्लस क्या है तीन है, यानी तीन तीन नौ एक दस, 10 3 33, तीन 33, यानी फाइनली आंसर 10/33। यहाँ से आंसर नहीं है, फाइनली आंसर नहीं हुआ, इस पार्ट का आंसर आया, यानी हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 3 + 3 + 3 और गुणे कितना हो जाएगा 10/33। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये फाइनली आंसर मेरा क्वेश्चन ये बना। इसको पहले इस पार्ट को हम लोग हल किए हैं, इस पार्ट का मान हमको 10/33 आया है, फिर इस सब को पार्ट को मान रख दिया है यहाँ पे, तो इससे तीन से शुक्राइए थे 11, मतलब 11 3 33 और 10, 11 3 33 और 10 कितना होता है 43/11। ऑप्शन नंबर आपका कितना हुआ 2 करेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए, इसको कैसे बनाइएगा, ये तो आसान है, इसको हल कीजिएगा तो 5 1 6, 6/5 और 6 यहाँ हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, यानी 5 ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, 6 × 6 = 5 = 11, 11/6। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, अगर इसके गुना में 1 लिख दे तो देखिए, तो उसी टाइप से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिस टाइप से आप लोग बनाए हैं, दिख रहा है ना। तो चलिए इसको बना लेते हैं, 1 यहाँ लिख दीजिएगा, 4 वहां लिख दीजिएगा, +2 है, +3 है और +1 है, यानी 4 × 8 = 9, 9 × 3 = 27 और 4, 9 × 3 = 27 और 4 कितना होता है बोलिए 31, 31 से कम 31 और 9 = 40, यानी फाइनल आंसर बना मेरा 31/40। इस पार्ट का अगर पूरा का बात करें तो कितना हो जाएगा 4 − 5 × 31/40, यानी इसको हल करें तो कितना आ जाएगा बोलिए, पांच से इसको कटाइएगा तो कितना मतलब कटेगा 8 मतलब, यानी 8 × 32 में से 1 हटाइएगा कितना हो जाएगा, 32 में से 31 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। इतना है 1/8 है इसका पूरा का मान, लेकिन कह रहा है इफ इतना पार्ट्स ऑफ अ जर्नी टेक 10 मिनट, इतना पार्ट का जर्नी को ट्रेवल करने में कितना लगता है टाइम, 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, देन द कंप्लीट जर्नी ऑफ 3/5, यानी जो कंप्लीट जर्नी है उसका 3/5 निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा। चलिए तो इस पार्ट का 1/8 पार्ट निकाले तो कितना हो जाएगा 10 मिनट, यानी अगर बात करें हम लोग, हम चलाते हैं इधर शिफ्ट हो जाते हैं पूरा बनाने के लिए, जगह हो जाएगा, यानी पूरा पार्ट कितना हो जाएगा तो 80 मिनट में पूरा कंप्लीट होगा, और 80 मिनट में कंप्लीट होगा, लेकिन इस जर्नी का 3/5 ही हमको निकालना है, तो 3/5 बात करें तो कितना हो जाएगा बोलिए, 48 हो जाएगा आंसर, यहाँ से कटा लीजिए। चलिए इससे से इसको कटाइएगा तो 16 मतलब में जाएगा, 16 × 3 = 48, 48 आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना, नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं बैठा कर बढ़िया से, ठीक है, बैठा कर बताते हैं, टेंशन ना ले, कोई लेने की कोई बात नहीं है, पूरा समझा दे बढ़िया से। चलिए चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बोला गया है आपको इस सब को तो हल किया था, कितना है आपको 1/8 है, लेकिन जो आपको डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, डी है, उस डिस्टेंस का 1/8 निकालते हैं तो आपको कितने मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 80 मिनट में पूरा डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले रहा है, यानी जो डिस्टेंस है उसका अगर 3/5 निकालिएगा तो यहाँ भी आपको 3/5 निकालना होगा, 80 का 3/5 निकालना होगा, ठीक है, यानी कितना आ गया 3/5, 16 × 48 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब समझ में आया आपको, बोलिए 48 मिनट आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या कीजिए, पहले हम लोग राइट साइड के जो इसको इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला चीज दिया है इसका मान निकालते हैं, इसका मान निकालेंगे कैसे, यहाँ 5 1 लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, -5 है, +2 दिया हुआ है और +2 दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है, तो 5 25 में से 1 हटा दीजिएगा 24 हो जाएगा, और 24 × 48 + 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है, और 49 × 2 कितना होता है 98 + 24 कीजिएगा कितना हो जाएगा, ठीक है ना, बन रहा है 5 25 25 में से 1 कीजिएगा 24 × 2 = 48, 48 + 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 48 + 5 कीजिएगा तो 53 हो जाएगा, गलती तो बनी रहा है,
अड़तालीस पांच कितने का हो जाएगा, तिरपन हो जाएगा, अड़तालीस पांच तिरपन, तिरपन दूनी 106 और 106 और प्लस 24 कीजिएगा कितना हो जाएगा 130, यानी यहां से आपका आया तिरपन बटा 130 इस पार्ट का मान, ये वाला पार्ट दाहिना तरफ है उस तरफ। चलिए इस पार्ट का मान कितना हो जाएगा, चलिए यहां देखिए, चलिए फाइनली अब आंसर बनाते हैं, पूछने बनाते हैं। ऊपर आपको आ जाएगा 7 चौकी 28 2 30, 30/7 माइनस 2/1/2 ठीक है बटा, इसको और कीजिएगा 3 दूनी 6 और 1 7 7/2 प्लस 7 एकम 7 8/7 ठीक है, और आपको भागा में है आपको 53/130। चलिए पेन बदल लेते हैं हम, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, यहां देखिए 30 दूनी, इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका है 30 दूनी 60, 60 में से 7 घटा लीजिए कितना हो जाएगा, बोलिए 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63, बटावर के घटाओ या जोड़ रहे तो इसको नीचे वाला से ऊपर में गुणा कीजिए, ऊपर वाला नीचे वाला से फिर ऊपर में, और डिफरेंस निकाल लीजिए और जो इसका है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 दूनी 60 में से 7 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 63, और 63 कितना हो जाएगा 14। चलिए इसको भी हम लोग बदल लेते हैं, क्या करते हैं नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, 7 दूनी 14 होगा ही, और नीचे देखिए 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, और 16 और 14 कितना होता है 30 होता है, 30 को यहाँ लिख दीजिए और इसको भी बदल लीजिए, तो गुना में जाएगा ऊपर 130 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा ठीक है। 53 कैसे आया भाई, 53 तो ठीक है, 3 दूनी 60 में 60 यहाँ तो 53 ही होगा, 63 कैसे आ गया भाई, हाँ यहाँ तो 53 ही होगा क्योंकि 3 दूनी 60 में 60 कटाइए 53 हो जाएगा, अब देखिए कटने वाला जो कटा लीजिए बढ़िया से, और क्या 53 से 53 खत्म ठीक है, 14 से 14 खत्म, एगो 0 से 1 0 खत्म, यानी फाइनल आपको आया 13/3, ये तो है ही नहीं आंसर में, क्या मिटाया जाए एक बार और इसको देखा जाए, आंसर तो मैच किया नहीं, चलिए इस पार्ट को मैं पहले मान निकाल लेते हैं, 7 चौका 28 इसका हम हल करते हैं, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 28/7 हो जाएगा, 7 चौका 28 2 7 चौका 28 2 30/7 यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 चौकी 28 28 और 2 30 30/7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और माइनस 1/2 ठीक है बटा, इसको हल कीजिएगा 3 दूनी 6 7/2 और प्लस 7 1 8/7 है ठीक है, इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 60 3 दूनी 60 और 60 में 60 कीजिएगा 53/14 और इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49 49 और 16 7 7 49 49 और 16 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, बोलिए 9 6 15 5 7 में 1 और ये 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 और 65/ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा बोलिए तो 53/14 से 14 कट जाएगा दोनों को बटा के, बटा के बटा से कटा लीजिए तो 53/65 आ जाएगा यहाँ से आंसर, यहाँ से कितना है 53/55। चलिए अब इस पार्ट को हम हल करते हैं, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसको हम हल करते हैं, चलिए तो इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ऊपर में -5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, यानी 5 5 25 में से 1 हटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 24 24 2 48 5 कितने का हो जाएगा 53 और 53 दूनी 106 और 106 और 24 की जगह कितना हो जाएगा 130, यानी यहाँ से आपको 53/130 ठीक है, और फाइनली आपको जब आंसर कीजिएगा यानी पहले वाला में दूसरे वाला पार्ट से क्या करना भाग करना है, तो पहले वाला पार्ट आपको 53/65 है और भागा 53/ कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, यानी फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 53/65 × 130 और बटा 53 53 से 53 कट जाएगा, इसको कटाइए 2 मतलब यानी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले वाला जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 4 × 8 सब तो ठीक है लेकिन यहाँ 2 लगा दिया जाता ना, चलिए
चलिए इस पार्ट को हम हल करते हैं। तो 7 चौका 28 गो एगो, बोलिए 7 चौका 28 1 29 हो गया, 29/7 आ गया ना। आइस को हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 2 8 1 9/4 आ जाएगा। फिर नीचे देखिए 3 2 6 1 7/2 आ गया, और प्लस 7 1 8/2 कितना हो गया, 7 आ गया। इसको हल करते हैं कितना जाता है, देखिए 29 × 4 कीजिएगा, लघुतम आ जाएगा 28। अब जब 7 से भाग दीजिए 4 मतलब 4 से इसको गुणा कीजिएगा कितना, 30 चौका 120, 120 में से 4 घटा दीजिए 126 आ जाएगा, ठीक है। 36 हाथ में बचा 3, और 9 2 18 4 2 8 हुआ, और 3 11 ही ना हो रहा है, 120 120 हाँ ठीक है, 120 में से 4 घटाइए 116 आएगा भाई, हाँ 116 ही आएगा, ये 116 है ठीक है। 116 में से कितना घटा दीजिएगा 9 से 63, ये कितना हो जाएगा 749, और प्लस 16 और बटा 14 जो कट रहा है उसको करा लेते हैं, वो 14 2 28 लेंदी लेंदी कुछ तो है, क्या कीजिएगा उस पर में से कराइएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ के घटाइएगा इसमें से 6 घटा लीजिएगा इसमें से तो 5 हो जाएगा, यानी ऊपर 53 होगा, बटा तो 2 है तो बटा में तो ये वाला आएगा, बटा में बटा का बटा बटा होता है, यानी 2 × a हो जाएगा, 9 6 15 5 और 4 1 5 1 6 यानी 6 5 65 आ जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली आपको कितना माना आया यहाँ से, 53/130 आया, ठीक है। चलिए दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है इस वाला पार्ट, इसको तो हम लोग किए थे शायद, मुझे याद नहीं है कितना आया था, ये सेम पार्ट है ना, हाँ यहाँ से आया था 153/130 आया था, इसको सॉल्व फिर कर लेते दोबारा कर लेते हैं, 1 है और 5 है, प्लस 5 माइनस 5 माइनस 5, पहले माइनस 5 दूसरे के बाद में प्लस 2 और उसके बाद प्लस 2 ही है दो बार, तो 5 5 25 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा 24 24 2 48 में से 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा 48 में से अलग प्लस 5 कीजिएगा तो 53 हो जाएगा, 53 2 कीजिएगा तो 106 106 प्लस 24 कीजिए 130 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आपको 53/130, चलिए और दोनों को भाग करके अंडर रूट निकालना है, यानी फाइनली आपको आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 53/130 यहाँ से ये वाला पार्ट, और भागा 53/130 खत्म हो जाएगा डिवाइड में, बच गए अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन आपको दिया गया, 5 3 15 4 कितना हो जाएगा 19 19/5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 चला जाएगा ऊपर और 19 चला जाएगा नीचे, 19 से कम 19 10 कितना हो जाएगा 29, और 19 फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है 1 9 19, तो 19 29 से कम 29 प्लस 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 48 हो जाएगा, 48/ फाइनली आंसर आएगा आपका कितना 48 48/ कितना हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए इतना से इतना में गुना कीजिएगा, इस पार्ट को देखिए इतना से इतना में गुना कर कितना कीजिएगा, यानी 1 - a + a और बटा a - a, यानी यहाँ से a से तो ये खत्म हो जाएगा, क्या होगा a से a खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1/1 - a, यानी ये पार्ट आपको खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन कितना रह गया 1 - 1/1 - इतना रह गया, देख लीजिए क्वेश्चन आपका कितना बचा 1 - 1/1 और फिर बटा बचा 1 - 1/1 - a, अब 1 - a है तो भाई ऊपर चला जाएगा, यानी फाइनल आपका कितना बचेगा 1 - a और बटा ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 - 1 - a, यानी 1 - a/ इतना प्लस इतना माइनस 1 और प्लस a, यानी इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, फाइनली आपको 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं,
कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ये वाला पार्ट को बी मान लेते हैं। उसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या बच जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर भागा में माइनस कितना है, तो यहाँ बी और बी माइनस बी स्क्वायर, इस सबको कोष्ट में किया जाए और उसको डिवाइड दिया गया है, डिवाइड फिर कोष्ट दिया गया है और ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, यानी अगर हम फिर इसको तोड़े तो कितना हो जाएगा, तो ए माइनस ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और बटा ए प्लस बी हो जाएगा, यानी सब कुछ काटने छाटने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कितना मिल रहा है, ए प्लस बी से प्लस बी खत्म कर जाएगा, यानी ए माइनस बी आ रहा है। इतना ही को हमको सॉल्व करना होगा, पहले इस पार्ट को निकाल लेते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर हम कितना एज्यूम किए हैं, तो ए बराबर वन प्लस वन बटा टेन प्लस वन बटा टेन, यानी दस दिए सौ प्लस एक की जगह तो 101 हो जाएगा, 101 बटा 10 है, ठीक है, यानी एक प्लस कितना हो जाएगा, 101 बटा एक है, यानी 101 बटा एक 10, तो 10 तो ऊपर चला जाएगा और बटा कितना 101, यानी अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 101 और प्लस 10 की जगह तो 111, 111 बटा कितना हो जाएगा बोलिए 10, 101, ठीक है, ये कमान इतना है, बी का मान कितना है, यहाँ चले जाते दूसरी जगह, बी बराबर कितना दिया गया है आपको बोलिए, तो बी बराबर वन माइनस वन बटा टेन प्लस वन बाई टेन दिया गया है, इसको हल कीजिएगा तो दस दिया सौ और 101 बटा 10, यानी हो जाएगा ये वन माइनस 10 बटा 101, 101 में से 10 खड़ा ये कितना हो जाएगा 91 बटा 101, ठीक है, यानी फाइनली आपका आंसर आने वाला है, इस हिसाब से पेन चेंज कर लेते हैं, यानी 100 कितना है, 111 बटा 101 और माइनस 91 बटा 101, यानी कितना आ जाएगा 20 बटा 101, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही पर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जब तक बेल आइकन नहीं दबाइएगा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप इतने बेहतरीन क्लास को आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।